दोस्तों, क्या आप भी ढूंढ रहे हैं एक चीप, एक लो वैल्यू का स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो कि आपको आने वाले समय में, आने वाले कमिंग वीक्स में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है? तो ये वीडियो केवल आपके लिए बनी है दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा कम प्राइस का स्टॉक जो कि आपको आने वाले समय में, आने वाले कमिंग वीक्स में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो आज की वीडियो में उसी स्टॉक के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है हमने जितने भी स्विंग ट्रेडिंग्स के आइडिया दिए थे वो अच्छे खासे मूव दे चुके हैं। हमने यहाँ पे इस वीडियो में आपको एक स्टॉक दिया था हैवल्स। अगर आपने हैवल्स में इन्वेस्ट किया होता, आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना होता हैवल्स में। आप जाके देखिए आप वीडियो। हमने दोस्तों ये वीडियो अपलोड की थी टॉप स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। हमने आपको यहाँ पे दो स्टॉक बताए थे, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर और दूसरा आरती इंडस्ट्रीज। दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमने आपको 2100 के आसपास बताया था। अभी एचयूएल कहाँ पे है? 2300, 2350 के आसपास है। आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त रिटर्न प्रोवाइड किए हैं हमारे स्टॉक्स ने। ठीक है, बात करें आरती इंडस्ट्रीज की, तो आरती इंडस्ट्रीज अभी एक्युमुलेशन जोन में है। अभी आप ले लीजिए, उसको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमने आपको स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स रिकमेंड किए थे उसमें एक शानदार जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली है। सो दोस्तों, इन वीडियोस को आप मिस मत कीजिए। ठीक है, इन वीडियोस को भी बारीकियों से देखिए, जिस बारीकियों से आप कल का बाजार वाली वीडियो देखते हैं। और दोस्तों, जिस जिस व्यक्ति ने हमारी ये वीडियोस देखी होगी कमेंट सेक्शन में जो लिख के बताइएगा। दोस्तों, हर एक व्यक्ति कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो स्टॉक है उसका नाम है अशोक लेलैंड। दोस्तों, अशोक लेलैंड ऑटो सेक्टर में काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अभी जिस रेट पे अशोक लेलैंड मेरे को दिख रहा है काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहे हैं। कहने का मतलब ये आने वाले कमिंग वीक्स में आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो अभी मेरे को जो टेक्निकल पैरामीटर समझ में आ रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन लेवल्स पे। आइए समझते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अशोक लेलैंड के डेली चार्ट पे हैं। डेली चार्ट पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा है। दोस्तों, डेली चार्ट मेरे को ये दिख रहा है कि एक 48.50 रुपीस का एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है अशोक लेलैंड का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी अशोक लेलैंड आता है ये बाउंस करता है। करीबन एक बार आया था बाउंस किया, दूसरी बार आया था बाउंस किया, तीसरी बार आया था बाउंस किया, चौथी बार आया था बाउंस किया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि 48.50 रुपीस का काफी क्रिटिकल सपोर्ट है अशोक लेलैंड में। ठीक है, जब भी अशोक लेलैंड इसके आसपास आता है लोग इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने के लिए। अब ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल चुका है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट जो चली थी, ठीक है, उस मूवमेंट का जो ये फिजल आउट हुआ था, उस मूवमेंट का जो ये कूल ऑफ हुआ था, उस कूल ऑफ का अब ये फिर से एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर चुका है। इसका मतलब क्या है अब मैं आपको समझाता हूं। और स्मॉल टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलिए हम चलते हैं आवर्ली के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, आवर्ली के चार्ट पे आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अशोक लेलैंड ने एक रेंज बनाया था। ठीक है, एक डब्ल्यू का पैटर्न बनाया था जो कि एक अच्छा खासा पैटर्न होता है, जो कि एक अच्छा खासा डब्ल्यू मतलब डबल बॉटम बेसिकली इसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट नीचे आया ऊपर गया, अगर इसको नीचे जाना होता यहां से तोड़ के नीचे भाग जाता, परंतु ये हुआ नहीं। यहां पे हुआ क्या, इस प्रीवियस सपोर्ट को इसने क्या किया, रिस्पेक्ट किया, और प्रीवियस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके यहां पे बेस बनाया और ऊपर चला गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस कितना दोस्तों, ये रेजिस्टेंस था आपका 51 का। ठीक है, इस 51 के रेजिस्टेंस के ऊपर ये अच्छी खासी कैंडल के साथ ये निकल चुका है। क्या कहने का मतलब है, अब ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, अब ये मजबूती शो कर रहा है अशोक लेलैंड। तो क्या करना है, रेंज का भी ब्रेकआउट हो चुका है, अब हमें बाय ही करके चलना है। तो हमको क्या लगाना है, अब हमको 49 पे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, 49 पे, यानी 49 के जब तक ऊपर रहता है, 49 लेवल के जब तक ऊपर रहता है क्लोजिंग बेसिस पे आपको इसमें बने रहना है। हाँ, अगर 49 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तो आपको उस केस में निकल जाना है। अदरवाइज जब तक 49 के ऊपर रहे आपको बने रहना है। तो आपने स्टॉप लॉस जान लिया, आप समझते हैं टारगेट। दोस्तों, आने वाले समय में, अब देखिए अब हल्का फुल्का चढ़ गया, तो जब भी नीचे आए 51 के आसपास जब भी आए, ठीक है, इस रेंज में आप बाय करके चल सकते हैं। ऊपर साइड आपका टारगेट क्या होगा दोस्तों, आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 53.50 का। तो दोस्तों, आपका दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 57.50 का, और जो तो आपका थर्ड टारगेट होगा वो होगा 58.50 का।
तो ये तीन टारगेट आपको लगा के चलने हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा और डीपली चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 53 का एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 53 के आसपास जब भी जाता है रेजिस्टेंस लेता है, तो अगर 53 क्रॉस हो गया, ठीक है, हमारा अगर फर्स्ट टारगेट के ऊपर क्लोज हो गया अशोक लेलैंड, तो फिर आपको इजीली आपको 58.50 तक के टारगेट दिख जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 53 का एक बार यहाँ पे आया था, रेजिस्टेंस लिया था, दूसरी बार, तीसरी बार, और एक बार ये निकला था 53 के ऊपर एक शार्प 60 रुपए का, 60 एक बार ये 53 के ऊपर निकला था, फिर 60 तक का आपको लेवल देखने को मिला था, और ये भी 53 के नीचे रेजिस्टेंस लिया है। तो जैसे ही 53 का लेवल कटेगा ऊपर साइड, एक शार्प आपको अपसाइड देखने को मिलेगा आने वाले कमिंग वीक्स में। दोस्तों हम अगर वैसे फंडामेंटली बात करें तो अशोक लेलैंड काफी अच्छे वैल्यूएशन पे है और काफी अच्छी कंपनी है। मैं आपको बता दूं, अशोक लेलैंड की जितनी भी गाड़ियां हैं, ठीक है, ये आपको मोस्टली ट्रक्स में, जब जितने भी बड़े बड़े लोडिंग ट्रक्स हैं आपको वहां देखने को मिलती, ठीक है। और जितने भी अब आने वाले समय में कोल माइनिंग होने वाली है, काफी चीजें होने वाली है सरकार की तरफ से, तो क्या होगा, गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी। तो जैसे इन गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, ये जो सेक्टर है ये बूस्ट अप होने वाला है यहां से। तो आई होप आप समझ गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करते रहिएगा, और जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी हम रेगुलर अपलोड करें वो आपके पास रेगुलर एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे पहुंच सके। तो दोस्तों दैट इज इट फॉर टुडे, आई होप आप समझ गए हैं। और देखिए इसमें मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपका पैसा आपका अपना है, ठीक है। बाकी मेरा काम था बताना, ठीक है, मेरे को इन लेवल पे अच्छा, मेरे को यहाँ पे अट्रैक्शन दिख रहा है, यहाँ पे अच्छा वैल्यूएशन दिख रहा है, तो मैंने एनालिसिस की, ठीक है। बाकी आप शेयर में इन्वेस्ट और ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और दोस्तों लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार आप सबको।